बॉडी के अंदर जो है वो एचबी का हीमोग्लोबिन का लेवल कम होता है, तो कौन से ऐसे रिस्क फैक्टर होते हैं जिसकी वजह से हमारी एचबी वगैरह कम होती है। बेसिकली अगर हम बात करें तो ये अनीमिया जो होता है हमारी जो बॉडी के अंदर जो एचबी ब्लड वगैरह की डेफिशिएंसी होती है, इसके अगर हम टाइम पे क्योर नहीं किया जाए, अगर इसको टाइम पे डायग्नोज नहीं किया जाए, तो फर्दर जो है इसकी वजह से हमारी इम्यूनिटी को बहुत ज्यादा कम्प्रोमाइज करना पड़ता है, नेक्स्ट जो है वो बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन को फेस करना पड़ता है। इसके अलावा अगर हम बात करें अनीमिया जो है ये इसको ड्राइव ऐसा वर्ड है, इसको ग्रीक जो वर्ड से ड्राइव किया गया है एनेमिया, इसका मतलब क्या होता है कि लैक ऑफ ब्लड। इस बेसिकली एनीमिया हम जो है वो इस कंडीशन को कहते हैं कि जब क्या होता है कि हमारे आरबीसीज का नंबर जो है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है, या हमारे ब्लड के अंदर जो है वो एचबी की नॉर्मल क्वांटिटी नहीं होती, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, एनीमिया कहा जाता है। बेसिकली सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा रेड ब्लड सेल जो है वो अगर हम बात करें तो ये हमारे मेच्योर रेड ब्लड सेल्स होते हैं, ये एक फ्लेक्सिबल बायोकनकेव डिस्क होते हैं लाइक होते हैं, इनके अंदर रेड ब्लड सेल्स के अंदर न्यूक्लियस जो है वो नहीं होता। तो हर 100 से 120 डेज के बाद क्या होता है कि ये जो सेल्स होते हैं रेड ब्लड सेल्स, ये दोबारा जो है वो बनना स्टार्ट होते हैं। और ये रेड ब्लड सेल्स डेवलप कहाँ पे होते हैं, जो बोन मैरो होती है वहां पे ये क्या करते हैं, डेवलप होते हैं। अब जो रेड ब्लड सेल्स है उसके अंदर क्या होगा, हीमोग्लोबिन जो है वो होती है। अब वो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हम कहते हैं कि एचबी कम हो तो क्या होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एचबी कम जो हीमोग्लोबिन होती है इसका मेन फंक्शन क्या होता है हमारी बॉडी के अंदर, इसने क्या करना होता है, ये ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होती है हमारे ब्लड के अंदर, ये मेजर कंपोनेंट होता है हमारे आरबीसीज का रेड ब्लड सेल्स का, हमारे जो आरबीसीज का जो रेड कलर होता है वो भी हीमोग्लोबिन की वजह से ही होता है। ये जो हीमोग्लोबिन जो ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर होती है, इस प्रोटीन का बेसिकली काम क्या होता है कि इसने हमारे लंग्स से ऑक्सीजन लेनी होती है और इसने बाद में जितने भी हमारे बॉडी के सेल्स वगैरह होते हैं वहां पे इसने इसको डिलीवर करना होता है, ठीक है, और बाद में जितने हमारे बॉडी के सेल्स वगैरह होते हैं इनको डिलीवर करना होता है। अब यहाँ पे क्या आता है कि ऑब्वियसली जब हमारी बॉडी हमारे जितने भी बॉडी के सेल्स हैं वो ऑक्सीजन पे डिपेंड कर रहे हैं, एच बी होगा तो वो लंग से ऑक्सीजन लेगा और सेल तक लेके जाएगा, जब हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ही नहीं होगी, हमारे सेल्स जो है उनको प्रॉपर जो है वो जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन वगैरह नहीं मिलेगी अपना फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, तो बॉडी का सारा सिस्टम जो है वो क्या हो जाएगा, डिस्टर्ब होगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर एच बी कम होती है, हीमोग्लोबिन वो वाले पर्सन जिनकी एच बी कम होती है मोस्टली वो है उनको जो है वो ऑक्सीजन डेफिशिएंट होते हैं, जैसे वो थोड़ा सा काम करते हैं सीढ़ियां वगैरह चढ़ते हैं तो उनका उनको जो है वो सांस जो है वो चढ़ना स्टार्ट हो जाता है। अगर हम देखा जाए तो इंसिडेंस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो अनीमिया जो है वो इतना कॉमन हो गया है, अगर हम डेवलपिंग कंट्रीज के अकॉर्डिंग हम बात करें तो लेस देन 5 चिल्ड्रन ईयर के जो बच्चे हैं उनके अंदर 39% जो है ये अनीमिया प्रेजेंट है। बेसिकली हमें देखना चाहिए कि आजकल जो है वो हमारी जितनी भी ये फीमेल्स वगैरह हैं, ठीक है, लाइक अगर हम बात करें तो वो जब मोस्टली आजकल ये इशू होता है कि जैसे ही उनका ड्यूरिंग डिलीवरी वगैरह होती है या कोई सिजेरियन वगैरह होता है तो मोस्टली उनके लिए खून की बोतल वगैरह का जो है वो ऑर्डर जो है वो करना पड़ता है, इतनी उनके अंदर जो है वो एचबी की डेफिशिएंसी होती है। तो पेरेंट्स को गर्ल्स को पहले ही चाहिए कि उनको जो है वो अपना एचबी का स्टेटस जो है वो नॉर्मल रूटीन के अंदर ही उनको अपनी डाइट इस तरह रखनी चाहिए कि उनको जो है वो इस कंडीशन तक ना पहुंचना चाहिए। जितने पैसे जो है वो अपनी बाकी जो है वो चीजों वगैरह पे लगाते हैं उनको चाहिए कि उससे अच्छा है कि वो ही पैसे जो है वो अपनी जो है वो डाइट पे लगाएं तो उनकी उनको भी इफेक्ट हो और वो फर्दर जो है वो कॉम्प्लिकेशन वगैरह से प्रिवेंट कर सकें। अनीमिया जो है बेसिकली उन लोगों को होता है जिनके अंदर जो है इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर वगैरह होता है, ऑब्वियसली जब भी कोई स्टमक वगैरह का इशू होगा प्रॉपर कोई भी डाइट लेंगे जो भी एनीमिया रिच है या नॉर्मल कोई भी डाइट लेंगे उसको उनके प्रॉपर जो है वो न्यूट्रिएंट्स वगैरह नहीं मिलेंगे, जब भी अब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी, जब अब्जॉर्प्शन ही नहीं होगी तो बॉडी में न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे, तो इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर जिनको होता है उनके अंदर मोस्टली एचबी कम होती है। लाइक अगर हम बात करें तो ये जो सीलिएक डिजीज जिन पर्सन को होती है, सीलिएक डिजीज में बेसिकली जैसे कि हम बात करें तो उसमें होता क्या है कि इंटेस्टाइनल जो विलाई ब्रश बॉर्डर जो विलाई होती है उसमें मतलब वो रिमूव हो गई होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि
वो अब्जॉर्प्शन वगैरह न्यूट्रिएंट्स की नहीं होती, और जो है वो जब भी कोई फूड लेते हैं तो वो फूड जो है वो डायरेक्टली जो है वो स्टूल के थ्रू जब वो पास करते हैं तो साथ ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। तो अनीमिया के पेशेंट के अंदर जो है मोस्टली ये सॉरी सीलिएक डिजीज के पेशेंट के अंदर मोस्टली एनीमिया होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रिस्क फैक्टर के अकॉर्डिंग हम बात करें, लाइक अगर किसी को कोई क्रोनिक कंडीशन वगैरह है उसमें जो है इम्यूनिटी इन्फेक्शन वगैरह हो गया उसमें हो सकता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में जो है इसकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। इसके अलावा जैसे कि हम बात करेंगे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्पेशली वोमेन को क्या करना चाहिए कि आयरन का और फोलेट का स्टेटस का बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर उनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आयरन का या फोलेट का स्टेटस इंप्रूव ने वो नहीं ले रही नॉर्मल क्वांटिटी में तो इससे बेबी पर बड़ा इफेक्ट होगा, बेबी की न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट हो सकती है, बेबी का प्रॉपर ब्रेन डेवलपमेंट जो है वो नहीं होगी, मतलब कि इसका इतना जो है वो साइड इसका जो है वो फैक्टर हो सकता है। इसके अलावा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन जो है वो फीमेल्स के अंदर जो है वो एचपी वगैरह जो है कम हो जाती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसकी रिक्वायरमेंट जो है वो सबसे ज्यादा जो एचबी की हो मतलब होनी चाहिए वो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग लैक्टेशन जो है आयरन का स्टेटस जो है वो ज्यादा होना चाहिए। इसके अलावा जो बच्चे ग्रोइंग इन्फेंट चिल्ड्रन होते हैं उनको उनको ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। इसके अलावा ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन वगैरह होती है। इसका लॉस अगर हम देखा जाए तो जैसे कि अगर हमने बात की है अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फेक्शन वगैरह आ गया है या कोई जीआई ट्रैक ब्लीडिंग वगैरह हो रही है, लाइक हमने सीलिक डिजीज के अकॉर्डिंग हमने बात की है, तो तब होगा। इसके अलावा इसका इनटेक मतलब कि वो वाले पर्सन जो कि डिपेंड ही वेजिटेरियन डाइट पे करते हैं, लाइक कुछ पर लोग जो है वो ऐसे करते हैं जो कि चिकन मीट वगैरह जो प्रोडक्ट एनिमल प्रोडक्ट को लेना पसंद नहीं करते, तो जैसे कि हम बात करें कि जितने भी ये एनिमल प्रोडक्ट होते हैं चिकन मीट जैसे कि हम बात करें बीफ लीवर है और जैसे चिकन है मटन वगैरह सबसे ज्यादा लीव जो आयरन होता है वो एनिमल सोर्सेज के अंदर होता है, तो वो लोग जो कि टोटली डिपेंड वेजिटेरियन पर डाइट पे करते हैं उनके अंदर भी आयरन का स्टेटस जो है वो कम हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो मॉर्फोलॉजी की बेस पे ये दो तरह का हम बात करें, एक होता है माइक्रोसाइटिक एक होता है मैक्रोसाइटिक। ठीक है, माइक्रोसाइटिक मींस कि अगर नॉर्मल जितना सेल का साइज होना चाहिए उतना नहीं है, नॉर्मल से अगर स्मॉल है तो इट्स मीन उसमें जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, या ये थैलासीमिया में जो है मोस्टली जो है इस तरह होता है कि जितना रेड ब्लड सेल्स का साइज होना चाहिए नॉर्मल उतना नहीं होता। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैक्रोसाइटिक में होता है कि एबनॉर्मल मतलब कि जितना नॉर्मल सेल का साइज होना चाहिए उतना नहीं है, लार्जर जो है वो सेल का साइज है, तो ये मोस्टली मेगाब्लास्टिक एनीमिया होता है। बेसिकली अगर हम बात करें तो जो एनीमिया होता है, सर आवाज आ रही है? हेलो हेलो सर आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करें नीमिया की टाइप्स की तो नीमिया की टाइप्स में डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं। एक होता है आयरन डेफिशिएंसी नीमिया, एक होता है क्रोनिक डिजीज की वजह से नीमिया होता है, और एक होता है थैलासीमिया। ठीक है, जो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया होता है इसमें तो में तो देखा जाता है कि जितना बॉडी के अंदर आयरन का नॉर्मल स्टोर होना चाहिए उतना नहीं होता, तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो मोस्टली जो है वो वुमेन जो के जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल ब्लड फ्लो जो है वो ज्यादा होता है उनके अंदर होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें क्रोनिक डिजीजेस की वजह से भी एनीमिया हो सकता है, मतलब अगर बॉडी के अंदर कोई इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन आ गई है या कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है या ट्यूमर वगैरह हो गया है या कोई कैंसर वगैरह हो गया है तो उसमें जो है वो इसमें भी एनीमिया हो सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें थैलासेमिया, थैलासेमिया बेसिकली क्या है, ये जेनेटिक डिसऑर्डर है जो कि इसमें होता क्या है कि अब नॉर्मल फॉर्मेशन होती है एचबी की, जब एचबी जो है वो नॉर्मल नहीं बनेगा तो इस वजह से क्या देगा प्रॉपर जो है ऑक्सीजन वगैरह ट्रांसपोर्ट नहीं होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मेगाब्लास्टिक एनीमिया जो है ये होता है ये फुलेट की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, इसमें जो आरबीसीज बनते हैं वो लार्जर अब नॉर्मल और इमेच्योर आरबीसीज जो है वो बनते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो परनिशियस एनीमिया जो होता है वो उनको पर्सन को होता है जिनके जिनको नॉर्मल तौर पे देखा जाए तो मैन के अंदर जो एच बी नॉर्मल तौर पे होनी चाहिए वो 13 पॉइंट चाहिए 12 तक जो है वो लाजमी होनी चाहिए।
इसके अगर हमने किसी पर्सन का जो है वो एनीमिया का टेस्ट करवाना है तो उसको हम डिफरेंट उसको हम कैसे डायग्नोज कर सकते हैं? इसके लिए हम सीबीसी करवा सकते हैं या फिर हम सीबीसी से क्या होगा कि उससे हमें पता चल जाएगा, एमसीबी एमसीएचसी हो जाएगा, ठीक है, जो कि हमें बताएगा कि आरबीसी का साइज क्या है, शेप क्या है। इसके अलावा हम बोन मैरो बायोप्सी वगैरह जो भी करवा सकते हैं, बोन मैरो बायोप्सी में होता क्या है, लाइक हमने बात की है कि आरबीसी की डेवलपमेंट कहाँ पे होती है, हमारी बोन्स के अंदर होती है, बोन मैरो के अंदर, तो उसके थ्रू भी हम इसके स्टेटस को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि अगर कोई पर्सन अगर वो एनीमिक है तो उसको कैसे ट्रीटमेंट, उसका क्या ट्रीटमेंट होगा, ठीक है, वो कैसे अपने आयरन के स्टेटस को पूरा कर सकता है, उसके लिए इसको लाइफस्टाइल डाइटरी चेंजेस करना पड़ती हैं। उसको चाहिए कि उसको अपने डाइट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो आयरन प्रेजेंट होता है फूड के अंदर वो दो फॉर्म के अंदर होता है, एक होता है हीम आयरन, एक होता है नॉन हीम आयरन। जो हीम आयरन होता है वो प्रेजेंट होता है जितने भी मीट प्रोडक्ट होते हैं, एनिमल प्रोडक्ट, उनके अंदर जो है हीम आयरन जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नॉन हीम आयरन जो है वो जितने भी ये प्लांट सोर्सेज होते हैं उनके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है वो पर्सन जिनको अनीमिया है उनको अपने डाइट के अंदर जो है वो क्या लेने चाहिए, जितनी भी ये मीट के अकॉर्डिंग हम बात करें, जितने भी रेड मीट है, बीफ, लीवर है, मटन है, जैसे चिकन की वो कलेजी वगैरह है, तो उसके अंदर सबसे ज्यादा आयरन जो है रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नॉन हीम आयरन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जितनी भी जो प्लांट सोर्सेस के अंदर होते हैं, तो जितनी भी डार्क ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनके अंदर होते हैं, लाइक अगर हम बात करें सबसे ज्यादा जो है वो होते हैं स्पिनिच के अंदर जो है वो, पालक के अंदर जो है वो रिच अमाउंट में ये प्रेजेंट होता है। इसके अलावा हम बात करें ब्रोकुलाई के अंदर होता है, लेटस के अंदर होता है, जो मेथी दाना जो होता है उसके अंदर होता है, चिकंदर के अंदर होता है, इसके अलावा कैरेट के अंदर जो है वो आयरन रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम फ्रूट के अकॉर्डिंग हम बात करें तो पोमेग्रेनेट अनार के अंदर जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। अगर हम नट्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये जो आलमंड के अंदर भी होता है, डेट्स के अंदर, खजूरों के अंदर जो है वो आयरन रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें रेजिन्स है, किशमिश है, मनक्का है, अंजीर है, अंजीर में भी आयरन प्रेजेंट होता है, लेकिन रेजिन्स और मनक्का में सबसे ज्यादा जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर हम बीन्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो किडनी बीन्स होती हैं, रेड बीन्स होती हैं, जो राजमा वगैरह होता है उसके अंदर जो है जो जो भी ये आयरन रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो काले चने का शोरबा जो होता है उसके अंदर आयरन जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। आयरन का जितना मर्जी सोर्स ले लें, इसके साथ साथ जो है वाइटामिन सी की अब्जॉर्प्शन, वाइटामिन सी का इंटेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। वाइटामिन सी अगर होगा तभी आयरन की जो है प्रॉपर अब्जॉर्प्शन होगी, तो आयरन के सोर्स के साथ जो है वाइटामिन सी का सोर्स लेना बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आयरन की जो है वो बेटर वे से अब्जॉर्प्शन हो। तो वाइटामिन सी के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जितने भी सिट्रस फ्रूट होते हैं, जितने भी ये किन्नू है, फ्रूटर है, ये स्ट्रॉबेरी वगैरह, कीवी वगैरह, पपाया वगैरह, आंवला वगैरह, इस सब के अंदर जो है वाइटामिन सी जो है वो, और ग्रेप्स है, गावा, अमरूद के अंदर जो है सबसे ज्यादा वाइटामिन सी होता है, तो उसके अंदर जो है ये प्रेजेंट होगा। जो कि इसके अलावा अगर हम बात करें जो मस्टर्ड है, कोरियंडर है, धनिया वगैरह, पियर, डार्क जो ग्रेप्स वगैरह है, प्लम्स है, एप्रिकोट है, इसके अंदर जो है वो आयरन जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम सीड्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो सनफ्लावर सीड और पम्पकिन सीड जो है वो उसके अंदर जो है वो प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हनी वाटर, हनी और लेमन वाटर के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये बहुत अच्छा सोर्स है। हनी के अंदर अगर हम बात करें तो आयरन प्रेजेंट होता है और जो लेमन है उसके अंदर वाइटामिन सी प्रेजेंट होता है, तो ये दोनों क्या करेंगे एक आयरन के अब्जॉर्प्शन के लिए ये बेस्ट है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बी लेंटिल्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो माश दाल है उसके अंदर जो है वो आयरन जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो मूंग बीन जो होती है उसके अंदर भी आयरन जो है वो रिच अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इसके अलावा अगर हम बात जो जो पर्सन जो के जिनको एनीमिया है उनको किन किन फूड से जो है अवॉइड करना चाहिए जो कि इनके अंदर मजीद जो है वो आयरन के स्टेटस को कम कर सकते हैं, तो इसके लिए कॉफी जो है उसको अवॉइड करना चाहिए, वो वाले फूड जिनके अंदर टैनिक एसिड प्रेजेंट है, बेवरेजेस वगैरह जैसे टी है, टी के अंदर जो है वो टैनिक एसिड वगैरह होता है तो जो कि आयरन के अब्जॉर्प्शन को कम करता है, तो टी से अवॉइड करना चाहिए। जितने भी स्पाइसी फूड्स वगैरह होते हैं उनसे अवॉइड करना चाहिए, टोबैको से, स्मोकिंग वगैरह से, अल्कोहल वगैरह से अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो पर्सन एनीमिक है उसको अपना वाटर का इंटेक जो है वो भी बेटर रखना चाहिए, कम से कम 10 से 12 ग्लास पानी जो है वो लाजमी इंटेक करे। इसके अलावा अपना स्लीप अवेक साइकिल जो है वो उसका बेटर होना चाहिए। इसके अलावा जो है फिजिकल एक्टिविटी फुल डे में जो है उसको 30 मिनट जो है वो फिजिकल एक्टिविटी जो है वो अपनी लाजमी ऐड करनी चाहिए। ओके सर, थैंक यू।
सर हो गया कंप्लीट।